सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, हमने जो 5000 लीटर का बल्ब कूलर तैयार करा है, जिसमें से कि इसमें हमने जो फिटिंग तैयार करी है, इसमें CIP भी ऑटोमेटिक होती है और टैंकर की फिलिंग, अनलोडिंग, लोडिंग दोनों ऑप्शन दिया हुआ है हमने इसमें। कई लोगों को ये सस्पेंस होता है कि हम जैसे बड़ी BMC लेते हैं, इसमें दूध लोड कैसे करेंगे और अनलोड कैसे करेंगे। आज उसी चीज को हमने क्लियर करने के लिए एक बैलेंस टैंक रखा हुआ है 250 लीटर का और 3 HP का पंप लगाया हुआ है और ये वाल्व दिए हुए हैं। जैसे कि हमने सपोज कि कैन से यहाँ पलटा और इसके बाद में हमने ये वाल्व घुमा दिया और जैसे कि ये चला दिया। अब इसके चलाने का अभी मैंने जो सर्कुलेशन कर रहा हूँ, ये जैसे कि मैंने टैंकर, ये टैंकर भरने की लाइन है। अगर टैंकर नहीं भरना मुझे तो मैं इस लाइन को ऐसे ब्लॉक कर दूंगा। इस लाइन को बंद करने के बाद में मेरी ये जो जा रही है इधर CIP की तरफ जा रही है। इधर जो मैंने कनेक्शन दिए हुए है, एक इनलेट का पॉइंट दिया हुआ है, 2 CIP के दिए हुए हैं। यहाँ भी एक 3-way वाल्व माउंट करा हुआ है हमने कि आराम से इसमें, और यूनियन फिटेड है ये सारा। यूनियन फिटेड इसलिए करा हुआ है ताकि हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, ये जो छोटे छोटे पाइप्स हैं, ये सारे खुल के इसको अच्छे से हम ब्रश से या जैसे मर्जी ऑटोमेटिक वॉश करना है कर सकते हैं। करने के बाद में दोबारा असेंबल डिसअसेंबल दोनों कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से हमारे सारे जॉइंट पे 3-way वाल्व लगे हुए हैं। 3-way वाल्व का मतलब ये होता है लोडिंग अनलोडिंग आराम से आप कर सकते हो। जैसे ये पंप दिया हुआ है और इसमें मैंने दिखाया था आपको कि टैंकर के लिए, और जैसे ये टैंकर है, अभी ये सर्कुलेशन हो रहा है, अब इसमें से भरना है तो मैंने इधर की लाइन खोल दी थी तो इसमें से जाएगी। अब टैंकर भरना है तो मैं ये लाइन खोल दूंगा, जैसे कि ये है मेरी इधर की लाइन है। अब मेरे को जैसे टैंकर नहीं भरना सपोज दैट, तो मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद में इसको जो ओके टेस्टेड लिखा हुआ है इसको टाइट कर देना है। जैसे ये बंद हो गया और ये हो गया, इसमें जो हमने कंप्रेसर रखे हुए हैं एमर्सन के, इसकी जो फिनिशिंग है 304 फोर ग्रेड में है, जो FSSI फूड ग्रेड द्वारा मान्यता दी हुई है इसकी। और इसमें हमने जो अभी जो बंद सिस्टम करा हुआ है, इसके कंप्रेसर बाहर लगाएंगे जो हमने रखे हुए हैं, और यहाँ पे हमने जो इसके स्टेयर लगा रखे हैं, स्टेयर में ये जीना है, आराम से यहाँ से चढ़ भी सकते हो। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे जीने भी दिए हुए हैं, इस जीने पे आप आराम से चढ़ सकते हो। और चढ़ने के बाद में हमेशा हमें ये ढक्कन खोल के रखना है, इसकी वजह ये है कि ये इंसुलेटेड भी है कि एयर ना बने। इसी तरीके से 3-way वाल्व हमने यहाँ दे रखा है, जो कि ये 3-way वाल्व का काम ये होता है, जैसे कि ये हमारा इनलेट पॉइंट है, ये 2 CIP की लाइन है, बाकी इसकी जो कनेक्शन है इसके अंदर देख सकते हैं, जो अभी इनलेट फिलिंग हो रही है, ये फिलिंग एमर्सन के जो कंप्लीट है, ये मैं पन्नी हटा रहा हूँ। इधर यहाँ पे हमारा एमर्सन का ये दिख जाएगा पॉपलेंट का, ये डबल एक्सल फैन के साथ में है जिसकी कूलिंग एफिशिएंसी काफ़ी बढ़िया है। इसमें जो है HP और LP वाल्व दोनों रहते हैं, और इसके साथ में हम जो वारंटी कार्ड है यहाँ पे हम स्टिकर में लगा के देते हैं। ये वारंटी कार्ड जो इसको संभाल के रखना होता है, जो कि इससे कंपनी फ्यूचर में इसकी सर्विस प्रोवाइड करती है। एमर्सन कॉपलैंड है ये, जिसमें से आपके पार्ट TR के मिलेंगे डबल एक्सल फैन के साथ में। और इसकी खासियत ये है कि इसमें डबल फैन दिए हुए हैं, जिससे कि इसकी हीटिंग को जो है, दूध की कूलिंग जो है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है ये, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। स्पेशल मिल्क फ्लोर के लिए है ये, मिल्क के लिए, ठीक है जी।